दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीआरपी कैसे काम करती है, कैसे रिजल्ट्स देती है, किन पेशेंट में पीआरपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, किन पेशेंट में इफ़ेक्टिव नहीं होती, मतलब किनको करवानी चाहिए और किनको नहीं करवानी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल के साथ जानेंगे। दोस्तों अगर आप हेयर लॉस से परेशान हो, गंजेपन से परेशान हो, तो आपने पीआरपी ट्रीटमेंट का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। आपने इसके बारे में काफ़ी वीडियो भी देखी होगी, जिनमें कुछ पेशेंट, कुछ डॉक्टर तो कहते हैं कि इसका बेहतरीन रिजल्ट्स है, वहीं कुछ पेशेंट्स जो पीआरपी करवा चुके हैं और कुछ डॉक्टर भी ये कहते हैं कि पीआरपी से रिजल्ट्स लिमिटेड होता है, कुछ पेशेंट में रिजल्ट आता है और कुछ में नहीं आता। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि मुझे पीआरपी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या पीआरपी करवा के रिजल्ट्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन लोगों को पीआरपी एक्चुअल में रिजल्ट्स देती है और किन लोगों में पीआरपी इफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब जिनको रिजल्ट्स देती है उनको पीआरपी करवा लेनी चाहिए और जिन लोगों में पीआरपी इफेक्टिव नहीं है उनको पीआरपी करवा के अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले एक बात कंफर्म कर देता हूँ, पीआरपी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसमें आपके खुद का ब्लड यानी पेशेंट का खुद का ब्लड निकाल के प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिनमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर आपकी बालों की जड़ों में जाके आपकी बालों की ग्रोथ को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हेयर लॉस जो होता है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, हेयर फॉल बंद हो जाता है, बाल पतले हैं उनको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, बाल मोटे होने शुरू हो जाते हैं, बाल मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ये काम सभी पेशेंट में नहीं हो पाता, कुछ पेशेंट में होता है, कुछ पेशेंट में नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि किन पेशेंट में ये एक्चुअली काम करता है और किन पेशेंट में काम नहीं करता। सबसे पहले पीआरपी नाम से कन्फर्म है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। तो ये मेक श्योर करें कि आपके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है उनकी काउंटिंग की संख्या जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमारी बॉडी में नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख जो होती है प्लेटलेट्स की काउंटिंग होती है, तो 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स नहीं होनी चाहिए और 4.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एबनॉर्मल होती है। नॉर्मली माना जाता है कि 2 लाख से 3 लाख के बीच की जो प्लेटलेट्स है अगर आपके ब्लड में है तो वो काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है, लेकिन वो कितनी इफेक्टिव है उसकी एक अलग से टेस्ट होता है। और प्लेटलेट्स की काउंटिंग क्या है, इसके टेस्ट एक होता है CBC के नाम से, तो उससे प्लेटलेट्स की काउंटिंग हो जाती है। नंबर दो चीज़, पीआरपी के नाम से कुछ क्लिनिक जो होती हैं ठग करते हैं, वो ऐसा करते हैं पीआरपी को प्लाज्मा समझते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो ऊपर सीरम निकलता है, प्लाज्मा निकलता है, कंप्लीट एक्सट्रैक्ट करके आपके इंजेक्ट करते हैं, वहां पे वो इफेक्टिव नहीं होती, आपको लगता है कि पीआरपी हुई है, एक्चुअल में वो पीआरपी नहीं होती। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, तो उसकी 3 लेयर बनती है। सबसे पहली लेयर होती है अपर लेयर, बीच की लेयर होती है प्लेटलेट्स पुअर प्लाज्मा, और नीचे की लेयर होती है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, और सबसे नीचे की लेयर जो क्लॉट हो जाती है वो ब्लड सेल्स होती है। तो हमें अपर, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेयर को निकाल के फेंकना होता है डॉक्टर को, और जो थर्ड लेयर होती है पीआरपी उसे इंजेक्ट करना होता है। अगर वो कंप्लीट लेयर को मिला लेता है, प्लेटलेट्स पुअर प्लाज्मा को और दूसरी लेयर को मिला लेता है, तो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा जो होती है उसकी रिच कंसेंट्रेशन खत्म हो जाती है और प्लेटलेट्स का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी पीआरपी इफेक्टिव नहीं होती। तो अब मान लो आपको कैल्शियम की, प्रोटीन की या आयरन की कमी है, उस वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है और आप पीआरपी करवा लो, तो आपको पीआरपी किसी भी काम की नहीं आएगी, क्योंकि आपके बालों को आयरन की जरूरत है, आपके बालों को बायोटिन की जरूरत है, आपके बालों को कैल्शियम की जरूरत है। अगर उसकी कमी से बाल गिर रहे हैं तो आपको पीआरपी किसी तरह से इफेक्टिव नहीं आएगी। इसलिए पहले अच्छे से चेकअप करवाएं, फिर ही पीआरपी करवाएं, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपको बहुत ही सीवियर हेयर लॉस हो रहा है DHT इफेक्ट के कारण, जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न एलोपेशिया, उस कंडीशन में भी पीआरपी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। फीमेल में ये काफ़ी इफेक्टिव देखी गई है एज कम्पेयर टू मेल, मैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की यहाँ बात कर रहा हूँ। और अब मान लो आपके बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर कि हाथ में लेने से टूट रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी पीआरपी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जैसे ही पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो वो पीआरपी हमारी उन बालों की जड़ों के लिए एक फॉरेन बॉडी का काम करती है, फॉरेन पार्टिकल होने से वहाँ पे हलचल होने लग जाती है।
बॉडी में उसके जो बालों के सेल्स में जब हलचल होती है तो वो अपनी जो सेल्स रूट्स को गिरा देती है, तो इस वजह से वहाँ पे हेयर फॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको पीआरपी नहीं करवानी चाहिए। आपने मान लो पीआरपी दो सेशन ले लिए हैं, तीन सेशन ले लिए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। पीआरपी के रिजल्ट्स दो सेशन के बाद, दो सिटिंग के बाद मिलते हैं, लगभग दो महीने बाद, एक एक महीने बाद पीआरपी की जाती है। अगर आपको दो सिटिंग के बाद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको तीसरी चौथी सिटिंग नहीं करवानी चाहिए। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो इस कदर एक्टिव नहीं है कि वो पीआरपी बना के आपके बालों की जड़ों को मजबूत करें। बॉडनेस यानी कि अगर आपके स्कैल्प में गंजापन ही आ गया है, वहाँ पे बाल है ही नहीं, तो उस कंडीशन में पीआरपी जीरो काम करेगी, किसी भी तरह से काम करेगी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पीआरपी बालों को ग्रोथ नहीं करवाती है, पीआरपी बालों की जड़ों को मजबूत करती है, हेयर फॉल को रोकती है। तो गंजापन आ गया है तो वहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर आपका रिसीडिंग हेयर लाइन है, हेयर लाइन पीछे गई है और आप सोचो कि आगे पीआरपी करवा लूँ, तो उस कंडीशन में भी पीआरपी काम नहीं करेगी। क्राउन एरिया में अगर गंजापन आ गया है, उस कंडीशन में भी पीआरपी काम नहीं करेगी। कुछ लोगों के मन में ये अफवाह वहम रहता है कि बाल जो है आपका प्लेन पूरा जो होता है, स्कैल्प पूरा प्लेन हो जाता है, आप उस तरह लगाते हो या मेडिसिन यूज़ करते हो तो आपको रोए से दिखते हैं, बारीक बारीक बाल दिखते हैं जो बहुत ही रोए रोए से होते हैं, आपको लगता है कि ये बाल मेरे ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं। तो उस तो आपको मैं यहाँ पे एक बात कंफर्म कर देता हूँ, ये बाल उग नहीं रहे हैं, ये बाल ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि बालों का नेचर होता है वो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे उसके विपरीत ही गिरता है, डीएसटी के इफेक्ट से गिरता है। बाल डायरेक्ट नहीं गिरता, पहले पतला होता है, श्रिंक होता है, धीरे 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 होते होते रोए से रह जाते हैं, उसके बाद वो जो है गिरता है। आपको पता होगा ऐसे रोए से हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, हमारे फेस पे होते हैं, हमारे गर्दन पे होते हैं, हमारे फोरहेड पे होते हैं, लेकिन ये रोए से कभी भी बालों में कन्वर्ट नहीं होती। तो अगर ऐसे रोए से है तो उस कंडीशन में पीआरपी नहीं करवानी चाहिए, उस कंडीशन में मिनोक्सिडिल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। हो सकता है पीआरपी मिनोक्सिडिल से रोए से थोड़े से घने हो जाए, लेकिन आपके आपको जो पूरे बालों को रुख कभी नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये कंडीशन अगर आप ध्यान रखोगे, इन बातों का ध्यान रखोगे, तो पीआरपी आपको पता लग पाएगा किन लोगों को इफेक्टिव है, किन लोगों को इफेक्टिव नहीं है। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे में पीआरपी काम करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ आपको डॉक्टर बताएगा। आपको डॉक्टर के साथ पूरी तरह से कंसल्टेशन करनी है, डॉक्टर आपकी पूरी तरह से हिस्ट्री लेगा, आपकी बैकअप देगा और आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा, उसके बाद जो है वो डिसाइड करेगा कि पीआरपी इफेक्टिव है या नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर गंजापन हो चुका है, बाल गिर चुके हैं, गंजापन जो है आ चुका है, बालों में स्पेस बढ़ गया है, तो पीआरपी बाल नहीं ग्रो करवा सकता, पीआरपी सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल रोकता है। मैं डॉक्टर राजेश मिलूंगा नई वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, वो भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक जरूर करें, और ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो कितनी बुरी है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, और आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो पास में लगे घंटे का बटन है वो भी दबा दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।